हमारे हैंडसम पर्सनालिटी को आप आमंत्रित करें जो नीतीश चंद्रा के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो अभी बहुत सारी कॉमेडी का आनंद लिया है आप सबने, और इसके बाद जैसा कि सर ने बोला, मैं एक ऐसी शख्सियत को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ जो आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो वो है कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी। और हमारे बीच अभी जो शख्स आने वाले हैं वो एक पर्सनालिटी डेवलपर हैं, साथ ही साथ आपको हर वक्त कैसे मोटिवेट रहा जाए इसकी भी टिप्स वो आपको देंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अलावे आपसे ढेर सारी अपडेटेड टॉपिक्स पे बात करने और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने आपके बीच यहाँ पे इस मंच पे आ रहे हैं, और मैं चाहूंगी आप सब जोरदार तालियों के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ स्वागत करें हमारे बीच नीतीश चंद्रा जी। वेलकम। Come on everyone, can we have a big round of applause for Nitish Chandra on the stage? Thank you. Welcome sir. और आपका बहुत बहुत स्वागत है JPL School Conclave सर पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में, और बहुत टाइम से हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं कि कब उनको आपसे बहुत सारी बातें करने का मौका मिले, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। एंड अगर मेरी बात करें तो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से हमें बहुत सारी बातें बताएं और हम यहाँ से आपके बारे में बहुत सारी बातें सुने। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैं नीतीश चंद्रा जी के लिए। थैंक यू सो मच। मैं वापस आप सभी के साथ हूँ आज इस मंच पर, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, ठीक है? अब ये जो मेरा सेशन है, ये इसको मैं मोटिवेशन सेशन कम बोलता हूँ, ये इंटरेक्शन सेशन ज्यादा है। मैं आपसे कुछ बात करूंगा थोड़ी देर, क्योंकि मुझे पता है सुबह से ये सेशन चल रहा है, और सबसे पहले मैं एक बार फिर से जवाहर प्रेमलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय बसहा पूर्णिया में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे गुरुजनों को और जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं, जितने भी एलुमनाय हैं, आप सभी को एक बार इनके इनके लिए होनी चाहिए यार, इनके लिए होनी चाहिए। दे आर द मैन। इन्होंने इन्होंने जो वर्क कर दिखाया है, एक मिसाल है ये मिसाल, वरना बिहार के एक छोटे से कस्बे में आप समझ लीजिए इतना बड़ा आयोजन, ये कितना बड़ा मैसेज जाएगा। ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं 2000 4000 5000, ये इतना नहीं है, ये करोड़ों में ये मैसेज जाएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कल को लोग यूट्यूब पे देखेंगे, वीडियोस पे देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि बसहा में क्या हुआ, किसने कराया, कितने लोग आए थे, क्या हुआ। तो ये सब चीजें बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, पहले मेरा नाम नीतीश चंद्रा है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, जो आज मुझे दिखा नहीं, लेकिन क्या मेरा वीडियो चला था आपने देखा, कुछ चल देखा आपने, तो छोटा सा एक ग्लिम्प्स था मेरे कामों का। मैं एक फैशन डिजाइनर हूं, मैं एक रनवे शो डायरेक्टर हूं। रनवे शो डायरेक्टर होता है जो आप फेमिना मिस इंडिया, फैशन वीक, ये सब देखते हैं कभी? देखते हैं। हम लोग ऐसे शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। उसके अलावा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूँ, फ्रॉम IITs टू IIMs टू फ्रॉम जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, और वहाँ पे हमारे सेशंस होते हैं। 2000 से 10000 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? और हम बोलते क्या हैं, हमको ज्ञान नहीं बांटते, हम सिर्फ वो बताते हैं जो आपकी लाइफ की सच्चाई है, जो इस कैंपस से निकलने के बाद आप दुनिया में जब जाएंगे, जब आपको दुनिया में छोड़ दिया जाएगा, अभी आप दुनिया को फेस नहीं कर रहे हैं, अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आप टीनेजर हैं अभी आप, लेकिन जिस दिन आप दुनिया को फेस करना शुरू कर देंगे, असली चैलेंज आपके सामने तब आएगा। सक्सेस और फेल्योर का मतलब तब समझ में आएगा। अभी क्लास में फेल हो जाते हैं, आप 7th 8th 9th 10th में हैं, आप क्लास में फेल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना? किसी से अचानक इस एज में बहुत प्यार व्यार होता है, प्यार हो गया, ब्रेकअप हो गया, नस काट लिए, होता है ना? तो ये सब चीजों इससे बाहर कैसे निकलोगे? ये तो बचपना है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये अभी किशोर अवस्था है, आप बचपना है, अभी टीनेजर्स हैं अभी आप, लेकिन धीरे 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 जैसे आप जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि 24-25 साल का युवक और युवती
आज के डेट में एक डीएम और एसपी बन जाते हैं और एक पूरा जिला संभालते हैं। फिलहाल तो आपको एक घर भी नहीं संभालना है, आपको उस कल की तैयारी करनी है। उस कल की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा और अधिकांश सवाल मैं आपसे लूंगा ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं, ठीक है? कुछ बातें, जैसे मैं ज्यादातर बातें करता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। स्ट्रेस क्या होता है? लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अभी अंडे से बाहर आए भी नहीं है, बोलते अरे बहुत टेंशन है यार, है ना, बहुत बहुत क्लास में कुछ हो गया, पंगा हो गया। और आजकल ना ये जो नए नए वर्ड होते हैं ना, अरे मेरा तो पंगा हो गया, मेरा तो सीन हो गया, मेरा तो कांड हो गया, पता नहीं कहां से ये सब सीख के आते हैं ये लोग, छोटे छोटे बच्चे, है ना, है ना, ठीक है। तो मैं इन्हीं पे मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके काम का है और जो आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें जितने भी हैं, इसमें 15 से 18 साल के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, 15 से 18, अरे मैक्सिमम लड़कियां कम हाथ उठा रही हैं, लड़के अधिकांश, क्योंकि इनको इनको एज बढ़ाने का बहुत जल्दी रहता है और इनको एज बढ़ाना ही नहीं है। अभी मैं अचानक से पूछ लो, ट्रेन में हुआ था ना एक हादसा, हमने सुना था कि चार लेडीज थी वहां पे, सीट नहीं थी बैठने के लिए, तो किसी ने बोला ठीक है इसमें जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है वह बैठ जाएंगे, चारों खड़े रह गए, समझ रहे हो ना। तो खैर मैं आपका, आप अभी लड़कियां हैं, अभी महिलाएं नहीं हुई हैं, अभी आपकी शादी में टाइम है, शादी में बहुत टाइम है आपके अभी, और टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, इतना हड़बड़ाना नहीं है किसी भी चीज को लेके, ये हड़बड़ा सकते हैं, इनको बहुत जल्दी होती है। इनके पापा इनको सुबह सुबह उठा के बोलते हैं बेटा तैयार हो, खाना खाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे ब्लैंक चेक हो। देखो कितना खुश हो रहे हैं, ठीक है।